हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजल आपका दोस्त और होस्ट। तो चलिए आज का संडे कमेंट बॉक्स का एपिसोड शुरू करते हैं। और आज का सबसे पहला सवाल लिखते हैं विशाल थापा जी, जो लिखे हैं, फाइल तो सेव नहीं हो रहा है, डाउनलोड तो हो गया है सबटाइटल। यहां पे इन्होंने कमेंट किया है हिंदी सबटाइटल फॉर वेरोनिका, जो मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी व्यूज आए हैं, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, 15K से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका प्रॉब्लम आपको जो हो रहा है। अगर आप डाउनलोड करते हैं, मैंने इंस्टा पे वहाँ पे लिंक दे के रखे, आप इंस्टा पे क्लिक करते हैं वहाँ पे लिंक को, और वहाँ से जो है आपको एक वेबसाइट में लेके जाया जाता है जो कि ना tumblr.com, जो कि ना मेरा ही साइट है, वहाँ पे मैंने सारे लिंक्स वहाँ पे डाल के रखे। और तब अगर आप वेरोनिका को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके ब्राउज़र पे ओपन नहीं होता। हाँ, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, आप ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तभी आप जो है इस फाइल को सेव कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, आप सिंपली कर सकते हैं कि आप उस लिंक को कॉपी करके आपका गूगल क्रोम या फिर आपका फ़ोन का ब्राउज़र पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे आपको ऊपर की तरफ 3 डॉट ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप ओपन इन ब्राउज़र का ऑप्शन मिल जाएगा, वहीं से भी आप जो है ब्राउज़र पे इसे ओपन कर सकते हैं और तभी जाके आप जो है इस फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। अब नेक्स्ट कमेंट लिखते हैं सुशांत प्रधान जी, जिन्होंने लिखे हैं, थैंक्स भाई सबटाइटल डाउनलोड हो गया, वो भी देख रहा हूँ, थैंक्स। देखिए, मैंने अभी अभी बताया कि डाउनलोड आप नहीं कर पा रहे, ये आपका फॉल्ट है, वैसे मुझे बताना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो है कर लिया है किसी तरीके से, और इन्होंने जो है अपना दिमाग लगाया, आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, इसलिए इन्होंने जो है थैंक्स भी कहे। तो सुशांत प्रधान जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है हमारे वीडियोस देख रहे हैं और आपको मदद भी मिली है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। अब नेक्स्ट कमेंट लिखते हैं रंजीत कुमार जी, जिन्होंने लिखा है, किसी भी लैंग्वेज को बंगाली में करना है। इन्होंने ये कमेंट किया है हिंदी ऑडियो ट्रैक का एक वीडियो आया था कंप्यूटर वर्जन, उसमें मैं आपको बता दूं कि भाई रंजीत जी, ऐसा कोई ट्रिक अभी तक या फिर ऐसा कोई तरीका अभी तक नहीं आया कि आप किसी भी लैंग्वेज को जो है, मतलब आपने यहाँ पे कमेंट किया मूवी के वीडियो पे, इसके मतलब हो सकता है कि आप मूवी के ऑडियो जो है, जो हिंदी में या फिर इंग्लिश में या फिर तमिल तेलुगु आते हैं, उसे बंगाली में डब्ड करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका अभी तक अवेलेबल नहीं है। वैसे अगर आप अपने वॉइस को या फिर किसी साउंड को करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल ट्रांसलेटर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इंटरप्रेटर मोड मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप कर सकते हैं, वो तो अलग चीज़ है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे गूगल इंटरप्रेटर सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप जो है किसी भी भाषा को आप अपने पसंद के भाषा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मुशारफ हुसैन जी लिखते हैं, भाई बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा, आपको बहुत बहुत वेलकम मुशारफ हुसैन जी, बहुत ढूंढ रहे थे इस चीज़ को, ऑडियो डाउनलोड करके बैठे थे, हम अब आराम से देख सकते हैं, भाई फिर से थैंक्स। इन्होंने एक कमेंट किया है ऑडियो ट्रैक का और एक वीडियो में, जहाँ पे मैंने बताया कि आप ऑडियो ट्रैक को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन के जरिए, आपको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर तीनों वीडियोस है, एक है फ़ोन के ज़रिए, एक कंप्यूटर के ज़रिए और एक मैंने बताया कि आप कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं, इन तीनों के ऊपर ये वीडियो है। तो आपको इसका आंसर मिल गया और आपको मदद मिल गई, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। वो जो लोग, आप लोग पूछते हैं कि भाई हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लोग कैसे कर पा रहे हैं वो बताइए आप। आप वीडियोस को सही से देखा कीजिए और पूरा देखा कीजिए, आप लोग वीडियोस को पूरे देखते नहीं, स्किप कर करके देखते हैं, इसमें गलती मेरी है ये बताइए, और बोलते हैं कि भाई आप वीडियो बनाओ, नया वीडियो बनाओ कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं, किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अरे भाई, मैंने ऑलरेडी बना के रखे वीडियोस, आप डिस्क्रिप्शन तो चेक करो, ऊपर कार्ड्स दिए जाते हैं जहाँ पे आपको लिंक्स दिए जाते हैं कि इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा था वो आईपैड में देख सकते हैं, तो आप अपने नहीं देखते और कमेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बना के रखे, बता के रखे, आप जाके देख लो, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट कमेंट लिखते हैं, वैसे मैं क्या कहूँ इनके बारे में, पहले कमेंट पढ़ता हूँ, चेहरा देख चूसे हुए आम, और ये कमेंट किए हैं तरनजीत मेहरा जी ने, ठीक है हम चूसे हुए आम हैं, ठीक है। वैसे आपको पता होगा कि मेरा हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि इस दुनिया में आपको बहुत तरीके के लोग मिल जाएंगे, लेकिन ये जो तरनजीत मेहरा जी है ये किस कैटेगरी में आते हैं पता है, जो लोग जलते हैं। इसने ये कमेंट किया है, इन्होंने मेरा एक वीडियो आया है जिसमें 40,000 व्यूज क्रॉस कर चुका है, और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी वो 50,000 भी क्रॉस कर जाएगा। तो जब किसी का वीडियो पे इतना अच्छा व्यूज आ रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पाते, मतलब आपके मन में जो हिंसा हो रही है, तभी लोग जाके ऐसे कमेंट करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं कैसा दिखता हूँ इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप क्या कहते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं ये सही कह रहा हूँ या गलत, कि चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सिर्फ कंटेंट से, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, तब जाके ना आप ऐसे व्यूज ला सकते हैं।
मुझे ऐसा लगता है और मुझे ये इस बात में विश्वास है। अब मैं आपका जो आप जो भी सोचते हैं वो भी मैं आप जानना पसंद करूंगा, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के नहीं बताने कि आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और इन्होंने जो कमेंट किया है तरंजित मेहरा जी कि चूसे हुए आम, क्या ये सही है? चेहरा तो मेरा वैसा है, इन्होंने गलत कुछ नहीं कहा। तो तरंजित मेहरा जी आपको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, फुर्सत से निकल, पहली फुर्सत में निकल, नहीं तो भाव के वीडियो फेंक के मरेंगे तुझे। अब नेक्स्ट कमेंट लिखते हैं सईक अल्ताफ जी, जिन्होंने लिखा है यूट्यूब का कोई भी म्यूजिक पे क्रेडिट कैसे दे, इसके ऊपर वीडियो बनाओ प्लीज। सईक अल्ताफ जी, वीडियोस को आप नहीं देखते हैं और कमेंट कर देते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही इसका वीडियो बना दिए है और उसके बाद आपने जो है कमेंट किया, दो दिन पहले आपने कमेंट किया और उससे कई दिन पहले मैंने इसका ऊपर वीडियो बना के रखे है। वैसे एक चीज बता दूं कि अगर आप यूट्यूब का जो लाइब्रेरी है वहां से अगर म्यूजिक को डाउनलोड करके यूज करते हैं तो आपको कोई भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको कोई भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूट्यूब के जो लाइब्रेरी के सोर्स से आउटर कोई सोर्स से डाउनलोड करते हैं तब आपको क्रेडिट देने की जरूरत है, और उसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है, आप ऊपर एडवर्टाइज में वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब पिचक एंटरटेनमेंट्स लिखते हैं हाउ मेनी डेज टू टेक फॉर मोनेटाइजेशन। देखिए ऐसा कोई बात नहीं कि कितने दिन लगेंगे, ये तो डिपेंड करते हैं आपके चैनल के ऊपर। अगर आपके चैनल के ऊपर कोई भी स्ट्राइक या फिर कोई भी वायलेशन नहीं है तो वो हो मतलब 2 से 3 दिन या फिर 10 एक हफ्ते के अंदर मैक्सिमम वो मोनेटाइज कर दिया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस सिचुएशन की, जब देश भर में ऐसा हाल है, मतलब देश भर में क्या पूरा दुनिया भर में ये हाल है जो आपको पता ही होगा कि कितने लोग मर रहे हैं, तो सारे लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और यूट्यूब ने भी खुद से कहा है कि उनका जो एम्प्लॉयज है वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और जिस स्पीड से काम होते हैं उसका 20% स्पीड से अभी काम हो रहा है, और इसी वजह से ऑलरेडी यूट्यूब के पास अभी 4.5 लाख के आसपास के मोनेटाइजेशन का रिक्वेस्ट आके मतलब वेट कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में क्यू में है। तो अभी अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो भाई इसके लिए आपको 2 से 3 महीने तो लगेंगे ही, चाहे आपके चैनल कितने भी अच्छे हो, आपका कंटेंट में कितने भी दम हो, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग काम नहीं कर पा रहे क्योंकि मोनेटाइजेशन का जो करने का जो तरीका होता है अप्रूव करने का वो मैनुअली किया जाता है, जो यूट्यूब के एम्प्लॉयज है वो खुद से चेक करके करते हैं। अब नेक्स्ट कमेंट लिखते हैं नमा सैंडलवुड यूपी, ऐसा ही कुछ नाम है, अगर मैंने कुछ गलत पढ़ा तो माफ कर दीजिए। इन्होंने लिखा है मेरा एक चैनल अंडर रिव्यू जाको 20 दिन हो गया है भाई, रिप्लाइंग चैनल क्या करूँ। ठीक है, तो मैं आपका कमेंट को पढ़कर समझ सकता हूँ कि आपका एक चैनल जो आपने 20 दिन पहले भेजा है रिव्यू के लिए और वो मोनेटाइज नहीं हो रहा है, कुछ जवाब भी नहीं आ रहे। इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया कि आपका चैनल अभी रिव्यू नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको 2 से 3 महीने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4.5 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग है। और एक चीज़ बताया था, अगर आप ब्लॉग मतलब ब्लॉगर है, आप वेबसाइट चलाते हैं और वेबसाइट के मोनेटाइजेशन के लिए भी आप भेजे हैं तो भी वहाँ पे 1.5 लाख के आसपास एप्लीकेशन ऑलरेडी वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो उन लोगों को वो पहले क्लियर करना होगा, उसी के बाद जो है नया एप्लीकेशन का जो रिव्यू किया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। अब तभी शेख जी पूछते हैं भाई आप कहाँ रहते हो। भाई मैंने इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप अगर मेरा पिछले जो Q&A का एपिसोड है वहाँ पे चेक करोगे तो मैंने वहाँ पे पूरा बता के रखा। वैसे मैं बता देता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल का जो है रहने वाला हूँ, और वहाँ पे मैंने पूरा बताया, मैंने क्वालिफिकेशन सारे कुछ बता के रखे। आप में से किसी ने एक पूछे थे मुझसे और मैंने वहाँ पे पूरा बता के रखा, आपको ऊपर एडवर्टाइज वीडियो को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब फिर से कमेंट आ रहे हैं audiotrack.com से, जिन्होंने कमेंट किया है अर्जुन सिंह कोहली जी, जिन्होंने लिखा है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 की ऑडियो फाइल का लिंक दे दो ब्रो। अरे भाई वहाँ पे चेक तो करो पहले, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहला यहाँ पे जो पॉपुलर मूवीज के लिस्ट है वहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर टॉप में ही है एवेंजर्स इन्फिनिटी वन 2018 का, तो आप यहाँ से जाके डाउनलोड तो करो। आप डाउनलोड सही से नहीं कर रहे हो, चेक नहीं कर रहे हो और ऐसे बता रहे हो। वैसे आपको बता दो, आप लोगों की वजह से ये वीडियो काफ़ी आगे जा रही है, 40,000 व्यूज अभी हिट करने वाला है। अब काशस राज जी एक सवाल पूछे हैं, काफ़ी वाइटल सवाल है जो आप लोगों में से किसी ने नहीं अभी तक पूछे हैं। ये audiotrack.com के रिलेटेड है कि भाई audiotrack.com पे अगर किसी मूवी का हिंदी ऑडियो नहीं है, हाँ सारे ऑडियो यहाँ पे नहीं मिलते, कैसे मिलेगा, एक सोर्स से सारे चीज़ मिल सकते क्या, और उस मूवी का हिंदी ऑडियो ऑर्डर करना हो तो कैसे करें। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप कमेंट के बताइए, तो आपने इतने दिन बाद कमेंट किए हैं, ठीक है, कैसे करें करना है तो प्लीज़ बताइए प्लीज़ ब्रो। अगला वीडियो में
ऑर्डर करने का बताओ अच्छे से, ठीक है? मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो देखो, ऑडियो ट्रैक अगर अवेलेबल नहीं है ऑर्डर करने के लिए, तो आपको मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे इस पे टैप करो। टैप करते ही यहाँ पे देखो, मैं छोटा छोटा करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स जो पहले पेंडिंग हैं, आप चाहे तो इसे ऐड ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग से चीज़ खुल जाएंगे, लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि आपको यहाँ पे आना होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है उन्होंने कुछ मेंशन कर दिया, यू मस्ट स्पेसिफाई। यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स खुल सकते हैं, तो आपको बैक करके आना होगा। यू मस्ट स्पेसिफाई विच फीचर यू नीड ऑडियो ट्रैक, यहाँ पे आपको सारे मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि अटेंशन करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप जो है पढ़ लो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन, मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको टाइटल डालना होगा जो जिसका ऑडियो ट्रैक आपको चाहिए, ओरिजिनल टाइटल आपको डालना होगा। आप गूगल पे सर्च करके ओरिजिनल टाइटल निकल कर यहाँ पे डाल दो। आपको मूवीज़ का ईयर डालना होगा और कौन सी लैंग्वेज में चाहिए वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे रूसियन सिलेक्ट किया हुआ है। और कमेंट आप जो है यहाँ पे बता सकते हो कि आपका जो ड्यूरेशन है मूवी का वो कितने मिनट कितने सेकंड का है, वो कौन सी ऑडियो का फॉर्मेट में आपको चाहिए, ठीक है? आप ऐसे लिख सकते हो। आपका नाम लिखना होगा यहाँ पे और यहाँ पे आपका ईमेल लिख के यहाँ पे जो भी कैप्चा इसे डाल के आपको सेंड बटन पे क्लिक करना होगा और आपका ऑडियो ट्रैक जो वो ऑर्डर हो जाएगा। वो लोग रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो लोग जो है आपका ऑडियो यहाँ पे दे देगा। आपको जो है चेक करने की जरूरत है, उसके बाद आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों, आशा करते हो कि आपको सारे सवालों का आंसर सही तरीके से मिल गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट करके बताइए किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मन में कुछ क्वेश्चन कोई भी डाउट है वो कमेंट करके तो बता ही रहे हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के सर्कल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए क्रेजी आस्क।